हेलो, दिस इज़ स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। सो आज हम एग्जांपल नंबर 3.9 करने वाले। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू मीटर ब्रिज। इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर। ओके, सो क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू टू केस। फर्स्ट केस ये है कि जब हमें नल पॉइंट मिल रहा है तो वो डिस्टेंस जो है ए पॉइंट से लेकर वो है 33.7 सेंटीमीटर। ओके, सो इन केस वन ये ए पॉइंट से ये डी पॉइंट हमें मिल रहा है। ओके, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे नल पॉइंट पे है। ओके, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यहाँ पे जीरो है, तो ये लेंथ जो है वो एल वन है। इट इज़ गिवन 33.7 सेंटीमीटर। सेकेंड, ये एल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 33.7, सो इट विल बी 66.3। नाउ इन सेकेंड केस, इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस। अब ये एस के पैरेलल में एक 12 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ओके, सो इन दिस सेकेंड केस द नल पॉइंट अकर्स एट 51.9 सेंटीमीटर। दिस एल वन वैल्यू इज 51.9 सेंटीमीटर, सो एल टू इज अल्टीमेटली 100 माइनस 51.9 सेंटीमीटर, सो एल टू इज 48.1 सेंटीमीटर। नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। ये आर और एस की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। ओके, सो वी विल गो थ्रू दिस फर्स्ट केस। आर एस, दिस इज नल पॉइंट डी, तो यहाँ पे एल वन और एल टू मिल जाएगा। सो फ्रॉम दिस मीटर ब्रिज थियरी, आर बाय एस इज इक्वल टू एल वन बाय एल टू। सो एल वन इज 33.7, एल टू इज 66.3। ओके, तो यहाँ पे ये, लेट से दिस इज इक्वेशन वन। नाउ अल्टीमेटली हमारा गोल आर और एस को फाइंड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं, दिस इज केस वन, केस टू। तो केस वन में से जो कुछ हमें मिलेगा अप्लाइंग दैट मीटर ब्रिज थियरी, उसको हम इक्वेशन वन बोलेंगे। नाउ वील मूव टू सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या होगा, तो ये एस और 12 जो पैरेलल में लगाया हुआ है, तो सेम टू सेम ऐसी सर्किट हमें ये कंसिडर करनी है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एस इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। ओके, तब जाके हम मीटर ब्रिज फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, आर बाय एस इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आर बाय एस नहीं होगा, जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो होगा, वो क्या है, एस पैरेलल टू 12, लेट्स से उसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है इट इज़ एस इक्विवेलेंट। सो आर बाय एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 41.9 डिवाइडेड बाय 48.1। सो एस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, व्हेन वी आर हैविंग टू रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 इंटू एस, दिस 12 इंटू एस डिवाइडेड बाय 12 प्लस एस। तो ये एस इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट की। सो नाउ आर बाय ये इक्वेशन टू है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। सो वी कैन राइट दिस फार्मूला बाय यूजिंग इक्वेशन टू एस, आर एस इक्विवेलेंट की जगह पे ये फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। सो आर बाय 12 इंटू एस डिवाइडेड बाय 12 प्लस एस इज इक्वल टू 51.9 डिवाइडेड बाय 48.1। नाउ ये 12 प्लस एस है। ओके, वो यहाँ न्यूमेरेटर में ऊपर जाएगा, फिर राइट साइड में यहाँ पे डिनोमेटर में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 51.9 डिवाइडेड बाय 48.1 इनटू दिस एस प्लस 12। नाउ ये 12 इनटू एस है, ये राइट साइड में यहाँ पे न्यूमेरेटर में चला जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 12 इनटू, सॉरी यहाँ से हम आर बाय एस रखते हैं बिकॉज वी हैव दिस इक्वेशन आर बाय एस। तो इस इक्वेशन को सेकंड केस में हमें ऐसा कुछ करना है कि ये इक्वेशन को हम यूज़ कर पाए। सो यहाँ पे आर बाय एस मिलेगा। ओके, सो 12 यहाँ राइट साइड ड्यूमिनेटर में ले लेंगे। सो आर बाय एस इक्वल टू दिस। नाउ ये आर बाय एस की वैल्यू हमें पता है, सो बाय अप्लाइंग इक्वेशन वन वी कैन रिप्लेस दिस आर बाय एस, और उसको ये सेम इक्वेशन यहाँ पे आ गया, आर बाय एस इज इक्वल टू 12 इंटू 51.9 डिवाइडेड बाय 48 इंटू एस प्लस 12। नाउ आर बाय एस की वैल्यू में जो फर्स्ट केस था वो पता है, 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3। ओके, नाउ हमें क्या करना है, एस को सब्जेक्ट करना है। तो ये पूरा टर्म यहाँ लेफ्ट साइड में न्यूमेरेटर में जाएगा, ये 33.7 यहाँ डिनोमेटर में आएगा, 66.3 यहाँ न्यूमेरेटर में जाएगा। सो एस प्लस 12 यहाँ पे ये आ जाएगा। नाउ ये जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 25.47। नाउ एस इक्वल टू यहाँ 12 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल हैव
अप्रोक्सीमेट इसको हम s इज इक्वल टू 13.5 लिख सकते हैं। नाउ s की वैल्यू आ गई, अब r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम ये जो इक्वेशन है उसमें s हमें मिल गया, तो यहाँ पे r को सब्जेक्ट करो, s की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो r की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे था, इन फर्स्ट केस नल पॉइंट इज एट 33.7। ओके, तो ये L1 मिल गया, L2 हमें पता है। नाउ ये फर्स्ट केस हो गया। ओके, तो उसमें R बाय S का इक्वेशन ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इन सेकंड केस S के पैरेलल में यहाँ पे 12 ओम रेजिस्टेंस है। ओके, तो उसका कुछ इक्वेशन बनेगा और वो इक्वेशन में कुछ R बाय S टर्म आने वाला है। ओके, सो R बाय S टर्म को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय अप्लाइंग दिस फर्स्ट केस। ओके, तो R बाय S की वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने, अल्टीमेटली हमें यहाँ पे S मिल जाएगा, सेम वे R मिल जाएगा।